ये जो है खाकी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो इस चीज की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का SO जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और जिला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वही मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है, और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 8 दिन 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छूट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहां से 1,000 रुपए नहीं मिले, और मेरी पूरी स्कूटी 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है। और मुझे 5-6 दिन हो गए तो कहाँ जाऊं मैं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जो हम उच्च अधिकारियों के भी यही हाल है, वे भी सुनवाई नहीं करते, तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है, जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जैसे मुझे कर रहे हैं। मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमे में फंसा देते हैं दूसरों को। तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाह रही हूँ, मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये उस पर मुकदमा भी लगा दें, क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके स्कूटी विस्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ वहां पे किसी भी आदमी को लगा के ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें, पोस्ट करें। कांस्टेबल का जो वीडियो वायरल हो रहा है और बात चली कि मैं खजूरिया थाने में तो उसके SO के साथ मारपीट भी हुई, मिर्ची भी झोंकी, पूरा मामला क्या है सर? थाना खजूरिया में एक महिला आरक्षी है जिसका एक अन्य आरक्षी से स्कूटी एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ था, जिसका रिजोल्यूशन हो रहा था। इसी बीच किसी उतावलेपन में उसके द्वारा SO से मिसबिहेव किया गया और उस पर हमलावर हुई। इस अनुशासनहीनता के लिए उसे निलंबित किया गया है, विभागीय कार्रवाई चल रही है, जहाँ से जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हुआ वो पुलिस पर ही आरोप लगा रही है कि बढ़ती हुई आड़ में, जैसा मैंने आपको बताया कि बात तो मात्र इतनी थी कि स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था जिसके संबंध में निदान किया जा रहा था, अब उसने किस माइंडसेट में और किस तरह से ये हरकतें की है जांच का विषय है, जो कि जांच चल रही है। सर तो मिर्ची डाल दिए, डंडे से मारपीट भी की है थाना अध्यक्ष के साथ में, मैंने आपको बताया मिसबिहेव किया गया और हमलावर हुई, ये सभी तथ्य जांच में आएंगे। पहले भी कुछ इस तरह की घटना हो चुकी है उनके साथ? ऐसा कुछ जानकारी मिल रही है कि पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं की गई, ये सभी चीजें जांच में सामने आ जाएंगी। तो महिला को निलंबित कर दिया गया जी।